आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आज हम करें कांवरी नदी पर, जहाँ पर ये उफान पर है। ये तिलक घाट के चौक के गेट तक पानी भर चुका है और ये पानी और अंदेशा है कि और ज़्यादा तक भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो आवक जावक है वो कम नहीं हो रही है। लोग इस पानी को देखकर सेल्फी खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्फी खिंचा भी रहे हैं। हमने इस पानी के बहाव को भी अपने कैमरे के इसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पानी जो है उफान पर है। आप जो खतरे का निशानी है यहाँ पर जो लगाया गया था, वो निशानी के बस चंद ही इंच बाकी है उसको छूना, और वो हो सकता है कि अगर बारिश इसी तरीके से तेज़ रही तो हो सकता है कि वो खतरे की निशानी को भी छू जाए और यहाँ पर अलर्ट कर दिया जाएगा। फिर भी यहाँ पर लोग आने जाने से कतरा नहीं रहे हैं। लोग अपने सेल्फी खिंचाने के चक्कर में नया जो ब्रिज बना है उस पर खड़े रहकर कर रहे हैं। खासतौर से हमने माड़ा कॉलोनी के अंदर जाने की कोशिश की और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की। लोगों की अब शिकायतें ये हैं कि हर साल उनको इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हर साल जो है लोग आते हैं, उन्हें आश्वासन देकर चले जाते हैं कि आपको इसकी भरपाई मिलेगी, लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ लोगों को, चंद लोगों को, जबकि उनके बैंक के अकाउंट भी उनको उनके पास दे दिए जा चुके हैं। तहसीलदार की तरफ से लोग आके यहाँ पर सर्वे भी कर चुके हैं, उन्होंने कुछ चंद कॉर्पोरेटर के पास भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई, उसके बावजूद भी उनका मुआवजा, उनको जो भरपाई थी आज तक नहीं मिली है। आइए चंद लोगों से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी क्या तकलीफें हैं और साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं कि नदी किस तरह से उफान पर है और किस तरह से आने वाले दिनों में और खतरा बढ़ सकता है। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी। हर साल पानी भरता है भाई, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है और हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हम लोग फार्म भी भरे हैं, हम लोग क्या इतना नुकसान हो रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। 2-3 बार फार्म भी भरे हम लोग, हमीर शेख के पास गए, तहसीलदार में भरे है फार्म, बस इधर ही 2 बार हमीर शेख के पास भरे है। लिखने वाले आए थे इधर, फार्म भरे लिख के दिए थे, हाँ, उसके बाद सर्वे करने वालों के पास लिख के दिए और उसके बाद हमीर शेख के पास गए, फिर तहसीलदार में गए 3-4 बार, हाँ, तलाटी के पास गए, वहाँ भी गए तो बोले नहीं हो जाएगा, वो बोल रहे भरो फार्म हो जाएगा, आएंगे बस बस ऐसा बोल रहे हैं। आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपके खाते में आपका अकाउंट नंबर दो, हमारे को पासबुक का जोरेक्स वो अपना लेके बोलते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, लेकिन हमारे खाते में अभी तक के कोई पैसा नहीं आया। जनवरी फरवरी मार्च एंडिंग वगैरह ये सब बताया, अभी तक के कुछ नहीं आया। जाके हमारे वार्ड कॉर्पोरेटर के पास किए, हमारे अपना हमीद भाई है, हमीद शेख, इमरान भाई है, अभी हमने इमरान भाई के पास किए थे। हाँ, इमरान भाई बोले कि आएगा आपके खाते में, ये साल निकल गया, अभी दूसरा साल आया, हर साल ऐसे ही झेलना पड़ता है। इतना आधा आधा रूम में पानी आ जाता हम लोग के, सामान ये दीवार टूट गई है, दीवार की रिपेयरिंग के लिए कई मरतबा बोला गया है लेकिन वो रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होती और गटर वगैरह कुछ साफ होती नहीं है गंदगी के वजह से। ये गटर ना चौकअप रहती है हमेशा, इसके लिए पानी ना ज्यादा जल्दी से जल्दी भर जाता है।